बड़ी खबर देहरादून से आपको बता देते हैं। आलोक सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वीएचपी और बजरंग दल के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों ने भी उन्हें बधाई दी। जिला अध्यक्ष बनने पर कई संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। पूर्वांचल के संगठन बिहारी महासभा ने भी बधाई दी। संघ के कई पदों पर रहे हैं आलोक सिन्हा, कई वर्षों से संघ की सेवा कर रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आलोक सिन्हा को बनाया गया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का देहरादून जिला अध्यक्ष। मंत्रियों समेत कई संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। लंबे समय से संघ में सेवा वो कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आलोक सिन्हा को बनाया गया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का देहरादून जिला अध्यक्ष। मंत्रियों समेत कई संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। लंबे समय से संघ में सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों ने दी उन्हें बधाई। कई वर्षों से कर रहे हैं संघ की सेवा। आलोक सिन्हा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कई वर्षों से कर रहे हैं संघ की सेवा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल के बने जिला अध्यक्ष। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों ने भी उन्हें बधाई दी है। संघ के कई पदों पर रहे हैं आलोक सिन्हा। आलोक सिन्हा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कई वर्षों से कर रहे हैं संघ की सेवा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल के बने जिला अध्यक्ष। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संघ के कई पदों पर रहे हैं आलोक सिन्हा। कई वर्षों से संघ की सेवा कर रहे हैं। आलोक सिन्हा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। वीएचपी और बजरंग दल के बने जिला अध्यक्ष। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों ने भी उन्हें बधाई दी है। संघ के कई पदों पर रहे हैं आलोक सिन्हा। कई वर्षों से कर रहे हैं संघ में सेवा। तो आलोक सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आलोक सिन्हा को बनाया गया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का देहरादून जिला अध्यक्ष। मंत्रियों समेत कई संगठनों ने बधाई दी है उन्हें। लंबे समय से कर रहे हैं संघ में सेवा।